नेगेटिव पॉइंट ज्यादा आते हैं। दूसरे लफ्जों में अब राणा सिर्फ साथ बैठा है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो हम एक चीज कहते हैं इसके अलावा भी कि ये असल में क्राइसिस नहीं थी, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। ये एक वो कह लें, ये वो जरिया बनाया गया, ये वो वसीला बने जिसकी वजह से हम शायद आज आप भाइयों के साथ इस माहौल में बैठे हैं कि जहाँ पे हम कोई अच्छी चीज प्लान करके आगे चलना चाह रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह चल रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ये था कि हर बंदा अकेला अकेला चल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जोन में एरियाज में अपने अपने स्टॉकिस रन कर रहा था, और उसने एक अपनी कह लें कि एक अपनी खलकत बनाई हुई थी, एक अपनी वो कहते हैं ना वो किंगडम बना के वो चल रहा था, ठीक है ना। इनकी वजह से हमें थोड़ा बेनिफिट इस चीज का हुआ है कि हम आप भाइयों के साथ मिलकर अब हम एक एज अ टीम एज अ ग्रुप हम लेके चल रहे हैं इस चीज, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है अब किस मौके के ऊपर ये जो क्राइसिस आया है उसके साथ हम अच्छे लोगों के साथ यूनाइट हुए। जो जो गलत लोग थे वो ऑटोमेटिकली आपने भी देखा है ग्रुप्स के अंदर भी देखा है, वो लोग के जो पहले बुराइयां करते थे, जब सियाल साहब का मैसेज 2-4 दिन के बाद आता तो उसके बाद कहते हैं सर आप जिंदाबाद, फिर 2 दिन के बाद उनकी नेगेटिव बातें शुरू हो जाती है। आई एम श्योर आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जोन ऐसे, और आप लोगों समेत मुझे कुछ लोगों के नाम कुछ लोगों के बैकग्राउंड मुझे वो व्हाट्सएप आई डी से पता है कि जिन्होंने नेगेटिव बात नहीं की वो फिर भी तसल्ली देते थे नहीं हमारी टीम पॉजिटिव है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। हमने भी कोशिश वही की है कि अपने साथ उन पुराने लोगों को अटैच करके चले, क्योंकि पुराना बंदा आपके साथ अगर एक अटैच है ना तो 100 आपके नए जो बंदे ना उनके ऊपर भारी है। नया बंदा फिर भी आज ही तो कल आ जाए, लेकिन पुराना एक बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आगे 100 क्या वो 1000 बंदों को भी ले आएगा और इस कॉन्फिडेंस पे लाएगा कि हम पिछले 2 महीने 3 महीने या 4 महीने से जिसके साथ चल रहे हैं वो हमारे साथ फेर चल रहे हैं, अपनी डिलीवरीज ले रहे हैं, अपनी सारी चीजें कर, ठीक है जी। एक तो चीज ये होगी कि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा चेयरमैन बिल्कुल ठीक है, उसका विजन ठीक है, और जिस कॉन्सेप्ट पे वो चल रहा है उसने कहा था कि 146 प्रोडक्ट्स आनी है, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से कल की अनाउंसमेंट और फर्दर डिटेल आप आहिस्ता आज या कल हमें मजीद मिलेगी कि जिसमें हमें पता लगेगा कि एक एक दो दो प्रोडक्ट्स अब नई लॉन्च होने लगे, ठीक है, आज ही मिलेगी, ठीक है। तो चेयरमैन आपका क्लियर हो गया, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जहां पे मसले आ रहे थे वो भाई अब जितना राणा से कहेंगे उतना कुछ जोनल हेड्स बनाएंगे, हर बंदे की अपनी एक्टिविटीज हैं, ये जिस तरह भाग दौड़ करके हम सारों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए शायद इस तरह बाकी सारे भी करेंगे तो मेरे ख्याल से काम बेहतर होगा, ठीक है। हम भाइयों को भी काम ये है कि हम